भारत गांव में बसता है और भारतीयों का दिल गांव में धड़कता है। इन गांवों को सहेजने सवारने के लिए ही इन्हें गोद लेने की परंपरा की शुरुआत हुई। आज ये गांव फल रहे हैं, फूल रहे हैं। अब देखिए राजस्थान के ही इस गांव को, जहां आकर कौन न इस गांव का हो जाए। पिपलांत्री, ये गांव कभी वीरान था, लेकिन आज हर तरफ हरियाली, चिड़ियों का कलरव और एक ऐसा सुकून जिसे पाने को हर किसी का दिल करे। ये गांव तब सुर्खियों में आया जब बेटी के जन्म लेने पर यहां 111 पेड़ लगाने की मुहिम चल पड़ी। गांव वालों के इस मुहिम ने धीरे धीरे गांव का नक्शा ही बदल दिया। इसके अलावा गांव में किसी की मृत्यु होने पर यहां 11 पेड़ लगाने की भी परंपरा है। एक समय ऐसा था कि इस गांव के बंजर जमीन, धुएं और धूल से लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे थे। वाटर लेवल काफी नीचे चला गया था, लेकिन गांव वालों की मेहनत और इच्छा शक्ति ने सब कुछ बदल दिया। सामान्य गांव की कल्पना से जुदा इस गांव के मुरीद अभिनेता अक्षय कुमार भी हैं। मुंबई में 2018 में आयोजित न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में अक्षय इस गांव की तारीफ भी कर चुके हैं। दुनिया के लिए भले ही इस गांव में पेड़ सिर्फ एक पेड़ हो, लेकिन यहां की बेटियों के लिए ये पेड़ उनके भाई हैं। ये बेटियां इन पेड़ों को राखियां बांधती हैं। एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस मुहिम का आलम यह है कि अब तक इस गांव में लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं। पिपलांत्री ने आज जो पहचान बनाई है, उसके विकास की इबारत लिखने वाले इस गांव के नायक हैं पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल, जो हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में भी नजर आए। पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल के मुताबिक 2005 में जब वे यहां के सरपंच बने, तो गांव बाकी रेगिस्तानी गांव की तरह ही पानी की समस्या से जूझ रहा था। श्याम सुंदर पालीवाल ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर प्रयास किया। धीरे धीरे गांव की सूरत ही बदल गई। आज गांव में हर जगह पानी के झरने फूट पड़े हैं। लहलहाते खेत, पेड़ पौधों की हरियाली सबका मन मोह लेती है। गांव में इतनी साफ सफाई रहने लगी है कि 2007 में राष्ट्रपति ने पिपलांत्री को स्वच्छ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया। मीडिया स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि इसरो के वैज्ञानिक इस गांव में बड़े बदलाव देखकर दौरा भी करने पहुंचे। इसरो ने सैटेलाइट से 2006 में पिपलांत्री की तस्वीर भेजी। उसमें इन क्षेत्र की पहाड़ियां खाली थीं, जबकि 2016 तक पिपलांत्री क्षेत्र के 3 गांवों में हरियाली छा गई। इसरो ने इसका वेरिफिकेशन करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम पिपलांत्री क्षेत्र का दौरा करने के लिए भी भेजा कि इतने कम समय में ऐसा कैसे संभव हुआ और यहाँ क्या क्या रिसोर्स हैं। गांव की सफलता यही नहीं रुकी, यहाँ कई बीघा जमीन पर एलोवेरा लगाया गया है, जिससे गांव वालों को काफी फायदा हो रहा है। गांव में ही एलोवेरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। गांव की महिलाएं एलोवेरा से जूस क्रीम तैयार कर रही हैं, जिनकी बाजार में काफी मांग भी है। यहां आंवला प्रोसेसिंग प्लांट और बांस उद्योग भी लगाया जा रहा है। पिपलांत्री के इस बदलाव से प्रभावित होकर इस गांव में देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। आज ये गांव जल, जंगल, जमीन और बेटियों के लिए चलाई गई अपनी मुहिम से अन्य गांवों के लिए आदर्श है। देश के हर गांव जागरूकता फैलाकर अपने गांव की सूरत बदलकर विकास की नई इबारत लिख सकता है।